मार्केट की तरफ दुबई मार्केट की तरफ मेरे साथ कामरान मौजूद है मैं खुश कर रहा हूं अजी सबू तो निकालो ये दिखा दिया बस यार ये क्या है तुमने ये हिजाब क्यों पहना हुआ है तुमने यार क्या करूं मजबूर तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जा रहे हैं रोड पे जा रहे हैं और उसके बाद फिर ये पहले भी मेरे एक ब्लॉग में आ चुका है तो अभी ये आगे बहुत ज्यादा ब्लॉग में आएगा समझ लो हां इंशाल्लाह समझ लो कि ये पार्टनर है व्लॉगिंग में मेरे साथ आगे के लिए तो अभी सामने के लोग ये आगे के लोगों को बहुत ज्यादा आएगा तो अभी वक्त जाया किए बगैर चलते हैं मार्केट की तरफ अभी मैं खागी रोड पे मौजूद हूं और फिर उधर जाके मिलेंगे अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है माइक ऊपर लगाया हुआ है तो लोग देख रहे हैं चलो आगे जाके मिलते हैं है ना आगे मिलते हैं चलो अच्छा तो अभी हम लोग यहां पे पहुंच गए हुए अभी अंदर जाएंगे तो इस मार्केट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सामान मतलब ओवन हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है एक्सेप्ट फ्रिज वगैरह इनके अलावा बड़ी चीज़ों के अलावा क्या आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटी जो चीज़ें के साथ बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ यहाँ पर शॉपिस की चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी मतलब इस ये मार्केट ज़्यादातर शॉपिस मतलब होम एक्सेसरीज वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स बैग्स वगैरह और जैकेट्स वगैरह भी आपको मिलेंगे कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा और मज़े के बाद अच्छी प्राइसेस में भी मिलेंगी मतलब आम बाज़ार से कम प्राइसेस में मिलेंगी जापानी ईरानी पाकिस्तानी और हीटर भी यहाँ पर मिलेंगे तो पहले जो हम लोग दुकान पे आ गए घड़ियों का मतलब सिर्फ घड़ियाँ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सामान है क्योंकि यहाँ पर सारा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान ही मिलता है अरे भाई साहब यहाँ पर काम करते हैं अभी उसी घड़ी की दुकान में हम लोग मौजूद है तो घड़िया या फिर सिर्फ घड़िया नहीं है घड़ियों के साथ साथ सब सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद है जूतर वगैरह बोले वगैरह सारे सब कुछ मौजूद है परफ्यूम भी मौजूद है अभी इनसे हम लोग कहेंगे भैया घड़ी बताओ कि प्राइस बताओ क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है प्राइस कम है प्राइस कम है तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि दुकान है इनकी शॉप है यहाँ बिल्कुल अंदर आते हो तो दुकान ही क्या है क्योंकि प्राइस भी बहुत कम है मतलब आम मार्केट के बाज़ार से अलावा काफ़ी सारा हम लोग ये चीज़ें चेक करते हैं उसके बाद आपको नाम आ सकते हैं भाई ये घड़ी है ये कितने का 12,000 ये 12,000 रुपये का वो गुची की कंपनी है तो मतलब गुची की ये कौन सा है फर्स्ट कॉपी वगैरह इस तरह का सुपर कॉपी है तो घड़ियों के अलावा के पास बहुत चीज़ें हैं अभी हम लोग आगे मार्केट में चलते हैं आगे और चीज़ें दिखाते हैं इनकी दुकान में भी बहुत चीज़ें हेडफोन्स वगैरह सब कुछ मौजूद है मतलब मेरे तरह चीज लोगों के लिए हर चीज़ मौजूद है अभी परफ्यूम दिखाते हैं आपको कितने का है ये 2,000 2,000 जी और है ना कुछ ज़रा और इन्हें की पड़े हुए इनमें अभी ये है ये यूएसए का है इसमें ये भी यूएसए का है अच्छा इसकी प्राइस कितनी ये भी 2,000 यहाँ मार्केट में कितने मिलेगा मार्केट में हाँ मार्केट में भी इसी रेट पर मिलेंगे अभी ये रेडबैन कंपनी इटली कंपनी का है ये आपको मिलेगा 1,500 रुपये में यहाँ पे सारे मतलब फॉरेनर वो आउट ऑफ कंट्री चीज़ें जी आउट ऑफ कंट्री के हैं यहाँ हमारे पास जितनी भी चीज़ें परफ्यूम है स्पीकर्स है सारे बॉर्डर वाले जी परफ्यूम भी मतलब ओरिजिनल कंपनी होते हैं कुछ कॉपीज़ है मतलब फर्स्ट कॉपीज़ वगैरह कॉपीज़ भी होती है ओरिजिनल भी उनकी क्योंकि ये एक लॉट होता है लॉट का पता नहीं होता है कि उसमें क्या चीज़ निकले ये चीज़ घड़ियाँ भी मौजूद है घड़ियाँ सारी बॉर्डर वाली हैं स्पीकर्स भी बॉर्डर वाले हैं सारे और इस मार्केट में और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके अलावा खिलौने के सामान मिलेंगे और कबाड़ी हीटर मिलेंगे और मिक्स छोपी सामान भी मिलेंगे यहाँ पर मिक्स चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर हर चीज़ मिलती है तो फिर हम लोग शॉपिस के दुकान पर आ गए और इनसे हम लोगों ने प्राइसेस और वगैरह की मालूम कर ली और ये मालूम कर ली कि ये नए के पुराने हैं और यहाँ पे इनके पास शॉपिस वगैरह की चीज़ें पड़े हुए हैं आप लोग के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है
तुम बस कुछ चीजें आपके पास पड़े हुए मेरे पास सारे शोपीस है सारे मतलब शोपीस की सिर्फ शोपीस आपके पास पड़े हुए हां शोपीस है इनके पास सिर्फ शोपीस यहां पर पड़े हुए कि प्राइसेस कितनी होगी इसमें डिफरेंट प्राइसेस है मतलब क्लास शुरू है आपको पता भाई सोच से लेके 1000 तक होगा 1000 मतलब यहां पे 100 वाली चीजें भी मौजूद है और आगे जाके हजारों में भी यहां पे मौजूद है सारे कबाड़ी के इनके पास सारे कबाड़ी के नहीं 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 बहुत कम है नहीं है मगर कम पर्सन ऑफ द वीक आवर पर्सन ऑफ द वीक आवर भाई इनके पास ये खुशबू की वगैरह की मशीन है आपके पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक सामान इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये चावल पकाने की मशीन है वो जूसर वगैरह है सब कुछ मौजूद है तो अभी हम आगे चलते हैं आगे जाते हैं मार्केट बहुत बड़ा है और आपको अभी अगली चीज़ें दिखाते हैं इनके प्राइसेस पर बात हम लोग से दुकानदार से पूछ लेंगे ये शर्मा अभी आगे चलते हैं तो अभी हम लोग जैकेटों की दुकान पे मौजूद है सर्दियाँ भी है उल्टा में तो इसी वजह से ये दुकान ये जगह बेस्ट है आने की जैकेट खरीदने की तो अभी इनसे पूछेंगे लाइटिंग का मसला हो रहा है तो अभी इनसे पूछेंगे कि प्राइसेस वगैरह क्या है और ये कहाँ से आए हुए हैं तो ये तो भाई नहीं उर्दू में करना है यार उर्दू तो आती होगी उर्दू तो आती होगी अच्छा चलो इसको भी उर्दू आती है तो अभी इनसे पूछते हैं तो अभी इनके प्राइसेस वगैरह बताना ज़रा मतलब किस चीज़ का प्राइसेस मतलब ये जैकेट्स ये जैकेट इस तरह है मतलब इसमें स्पोर्ट्स वाले गर्म जैकेटें होते हैं और इस तरह बाहर के रेट और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है बहुत ज़्यादा फ़र्क है बहुत ज़्यादा फ़र्क है कम से कम 300-500 फ़र्क है एक ही जगह से आप लोग लाते हैं ये कराची से आते हैं बाहर और चमन से आते हैं ज़्यादातर जो है ये कराची से आते हैं ये नया माल आता है या बस नहीं ये सेकेंड हैंड लाठों पर आते हैं फिर लोग इसमें चांटियाँ करते इसका जो है कमज़ोर माल अलग रखते और ऐसा माल होता है मतलब थोड़ा सा साफ माल जो होता है वो फिर लोग अलग रखते हैं वो फ़ायदा है या नहीं बिल्कुल हाँ ना बिल्कुल मुनाफा है गरीबों के लिए गरीबों के लिए फिर इसका फ़ायदा है हाँ अभी बाज़ार में ये बंदा जाएगा ये जैकेट 1200-1500-1800 रुपए का है इधर उसको जो है 800-600-500 तक मिलेगा हाँ इस तरह ठीक है बहुत मेहरबानी जोसरे छापर विकिम है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हर किस्म के सामान है अफगान बॉर्डर से आता है ये अफगान बॉर्डर से आता है जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मालिक से भी आता है इसमें चाइना भी है पुराने भी आते हैं इसके साथ इसमें पुराना भी है और नया भी आता है ये इसमें छापर है गोश्त छापर है स्त्री है वेकेम है जूसर है वगैरह वगैरह आता है लोग यहाँ आते हैं रश है या नहीं इस जगह इधर बहुत रश है और इसकी प्राइसेस कम है कि ज़्यादा है इसके अभी तो बाजार से हाँ बाजार से अभी ज़्यादा है वक्ती सस्ता था ना अभी बहुत महंगा है ना मतलब आम बाजार से अभी के हवाले से सस्ते हाँ सस्ता है किस वजह से महंगे हो गए ये कोरोना की वजह से ये महंगा हो गया बढ़ बंद था ना इस वजह से
चलो भाई मर वीडियो कर दी मार्केट के अंदर काम हो गया और अभी मार्केट के बाहर हम लोग खड़े हैं खिलौने भी और मेरा कमरा जाएंगे वापस जिस हफ्ते से आए थे और यहाँ पे आना ज़रूर यहाँ पे चीज़ें कम प्राइसेस भी मिलेंगी आपको और अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी क्योंकि आप ज़रूर चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करो वो तो लाजमी करना फेसबुक वाले जो देख रहे हैं फेसबुक वाले पेज को लाइक करें भाई वीडियो को शेयर करें अपने फीड पे शेयर करें भूलना मत भाई हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं यार दिखा रहे हैं प्रमोशन को प्रमोट कर रहे हैं बेटा की चीज़ों को तो आप लोग भी हमारे साथ मतलब कि मोटिवेशन मिले हमें और तो मतलब आगे चलते हैं लोग आ रहे हैं रास्ता बंद किया हुआ है तो आगे फिर मुलाकात करते हैं फिर बाद में वीडियो को वैसे एंड करना है वीडियो को एंड करना है चलो भाई अल्लाह हाफिज़ मेहरबानी अगले व्लॉग में इसके बगैर ये व्लॉग मुमकिन नहीं था अपना ख्याल रखना हाँ सही मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका जाकर फॉलो कर देना ठीक है सही अल्लाह हाफिज़